नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के सिलेबस में चैप्टर संख्या 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। गति के नियम तो पढ़ेंगे इसमें, इसके अलावा एक दो बातें, दो चार बातें और भी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले गति के नियम में बात करें, गति की, गति है क्या, गति किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन। फिर हम बात करेंगे गति के नियम। न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए, मैंने पढ़ रखे होंगे, नाइन्थ में भी ये बातें आ जाती है थोड़ी सी, वही बातें हैं यहाँ, कोई ज्यादा नई बात नहीं है इसके अंदर, सिंपल बातें हैं, हम उनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। फिर इन नियमों से संबंधित ही आगे हम कुछ महत्वपूर्ण बातें आएंगी जो हमें बाद में समझ पाएंगे, इसलिए पहले गति के नियमों को हम परिभाषित करेंगे छोट में। उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं गति, गति किसे कहते हैं, गति को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। सिंपल हम कह सकते हैं कोई वस्तु चल रही है, घूम रही है, और कोई व्हीकल है वो चल रहा है, तो अपने क्या कहते हैं, वो गति हो रही है, गति हो रही है। तो गति को तो परिभाषित करना है कि गति है क्या। सिंपल इसी भाषा में ही कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन ही गति होती है, स्थान परिवर्तन। सिंपल दो वर्ड में कह सकते हैं कि क्या, स्थान परिवर्तन। चाहे वो किसी वस्तु में हो, किसी व्यक्ति में हो, किसी कण में हो, किसी में भी हो, अगर स्थान परिवर्तन है तो गति कह सकते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सबसे सिंपल लैंग्वेज में, कि किसी भी कण में, वस्तु में, व्यक्ति में स्थान परिवर्तन को ही गति कहते हैं। क्योंकि जब स्थान परिवर्तन होगा तो बिना गति के संभव ही नहीं होगा। कोई मान लो वहां से चल के आ रहा है, तो इसका मतलब वो गति करता हुआ आ रहा है, अपन उसको डिफाइन कर रहे हैं भाई गति क्या है, तो इसका मतलब उसकी क्या हुआ, जगह चेंज हुई है, और जगह चेंज होने के लिए वहां से मूवमेंट जरूरी है, मोशन जरूरी है, गति जरूरी है। तो स्थान परिवर्तन को सिंपल भाषा में कह सकते हैं, किसी कण में स्थान परिवर्तन को ही गति कहते हैं। अब आते हैं गति के नियम। न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए थे, तीन नियम। नियम कितने हैं इसके, तीन है। इनको तीनों नियमों को इनके नाम के आधार पे भी और अन्य नाम भी दोनों तरह से लिखा जाता है। ऐसे भी लिख देते हैं, गति का प्रथम नियम लिखो, गति का द्वितीय नियम लिखो, तृतीय नियम लिखो, ठीक है। तो ये प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। दूसरा इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। तो दोनों बातें ये भी दोनों ध्यान रखनी है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अगर यूं कहते हैं भाई प्रथम नियम को परिभाषित करो, तो भी अपने को पता होगा कि प्रथम नियम जड़त्व नियम है। जड़त्व नियम कहते हैं तो जड़त्व नियम जो है प्रथम नियम है। द्वितीय नियम जो है वो है संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। और तीसरा जो नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये सब विधि सुने होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ज्यादा कोई टिपिकल बात नहीं है, सिंपल सी बात है, थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जड़त्व के नियम की। सबसे पहले आता है जड़त्व का नियम क्या है। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व है क्या, जड़त्व, जड़त्व का मतलब है सिंपल, जड़ जैसा है वैसा रहे, वही जड़त्व है। सिंपल ये कह सकते हैं सिंगल सिंपल लैंग्वेज में कि जो वस्तु जैसी है वो वैसी रहे, वही जड़ है, वही जड़त्व है। जड़त्व का मतलब नो चेंज, नो चेंज, चेंज नहीं हो तो उसे जड़त्व कहते हैं। अब किसमें चेंज नहीं, तो दो तरीके से डिफाइन करते हैं गति के रूप में। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। अपने आप वो नहीं रुकेगी, उस पर बाहरी बल कार्य करेगा। कोई कहते भी हम तो बॉल फेंकते हैं, अपने आप ही रुक जाती है, वो अपने आप ही रुकती है, उसके लिए भी घर्षण बल काम करता है। जब हम बॉल फेंकते हैं, सामने फेंके, ऊपर फेंके, नीचे फेंके, या फर्श में लुढ़काएं, तो हम इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे, घर्षण को डिटेल से पढ़ेंगे। दो सतहों के बीच में गति के विरुद्ध जो बल लगता है उसको घर्षण बल कहते हैं।
यानी वो हमेशा गति को रोकने का काम करते हैं, लेकिन जरूरी भी है, बिना घर्षण के भी गति संभव नहीं है। जब वस्तु को फेंकते हैं, बॉल को फेंकते हैं, तो हवा जो है बाई एनवायरमेंट में जो कण उपस्थित है उनको चीरते हुए बॉल जाती है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसके विपरीत बल लगा रहे हैं और उसके कारण वो रुक रही है। तो कोई भी जो वस्तु है वो अपने आप नहीं रुकती है, जब बाहरी बल लगता है तभी रुकती है। तो नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करे तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होता है। यानी सिंपल ये कह सकते हैं कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है। इसलिए इनको दो तरह से डिफाइन करते हैं, एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि स्थिरता का जड़त्व बताइए क्या होता है, तो इसको ही कह देते हैं, ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख ले, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं है। स्थिरता का जड़त्व क्या होता है, क्या होता है स्थिरता का जड़त्व? तो अगर जड़त्व को परिभाषित करना है तो दोनों बातें आ गई, दोनों बता दो, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, बाहरी बल कार्य नहीं करता है, ये जड़त्व का नियम है। लेकिन अगर स्थिरता का जड़त्व गए तो कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है जब तक बाहरी बल कार्य नहीं करे। स्थिरता का जड़त्व मतलब एक ही बात पूछी जा रही है, हमें एक ही बात करनी है कि वस्तु स्थिर है। अगर कहते गतिशीलता का जड़त्व तो गतिशील अवस्था में जड़त्व है, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता, इसे गतिशीलता का जड़त्व कहते हैं। इनके एग्जाम्पल लेते, कैसे पता चलता है ये स्थितियां कैसे पता चलती है, इनके एग्जाम्पल से हम इनको समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, डेली रूटीन में देखते हैं कि अगर जब हम किसी बस में बैठे हैं, बस गतिशील है, चल रही है बस कंटिन्यूस, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, किसी भी व्हीकल में बैठे चल रहे हैं, बस में अपने इजी वे में नोट करते हैं बातों, बस गतिशील है और अचानक क्या हो रहा है, ड्राइवर क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है। जब बस गतिशील है 50 की स्पीड में तो हम भी किसी स्पीड में गतिशील है उसके साथ, 50 की स्पीड में। बस अगर जयपुर से दिल्ली पहुंच जाती है तो हम भी दिल्ली पहुंच जाते हैं, हम ये नहीं भाई रास्ते में शाहपुरा पहुंचे हैं, उतर गए रास्ते में, रुक गए या बस चली गई, हम वहीं रह गए, हम भी क्या है वही है उसके अंदर ही है, तो बस इसी स्पीड में गति कर रही है, इसका मतलब हम भी उसी स्पीड में गति कर रहे हैं। यानी बस की जो चाल है वही चाल हमारी चाल है, इसका मतलब हम भी उस समय गतिशील हैं बस के साथ साथ, और हम भी क्या रहते हैं, गतिशील रहना चाहते हैं। अब ड्राइवर लगाता है ब्रेक, अचानक ब्रेकर आ गया, कोई और कारण हो गया, तो अब ब्रेक किस पे लगा, ब्रेक लगा किस पे, बस पे, ब्रेक किस पे लगता है, बस पे लगता है, हम पे थोड़ी लगता है, हम तो क्या करते हैं, हम फिर भी आगे गतिशील ही रहते हैं, और गतिशील रहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, आगे वाली सीट पे टकराते हैं, खड़े हैं तो आगे की ओर झटका लगता है, उसको बैलेंसिंग करने के लिए हमारी बॉडी वर्क करती है। तो वहां कौन सा जड़त्व काम कर रहे हैं, वहां कौन सा जड़त्व काम कर रहा है, गतिशीलता का जड़त्व काम कर रहा है इसी स्थिति में, कौन सा जड़त्व, गतिशीलता का जड़त्व, क्योंकि इस स्थिति में हम बस की स्पीड के साथ हम भी गतिशील हैं, जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो हमें आगे की ओर झटका लगता है, और इसका मतलब बस के ब्रेक लगे हैं और हम उसी स्पीड से गति करना चाह रहे हैं, हम गतिशील रहना चाहते हैं, इसीलिए हमें उसी स्पीड से आगे की ओर झटका लगता है। अब ये बात दूसरी आ जाती है स्थिरता का जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व क्या हो रहा है, जब वही बस की बात करें कि वही बस रुकी हुई है, स्थिर है, स्थिर है और हम उसमें बैठे हैं, अचानक उसमें रेस दी जाती है और उसको गतिशील कराया जाता है, बिल्कुल स्लोली अगर करवाएंगे तो अपने को महसूस नहीं होता है, अचानक उसमें गति करवाएं तेज थोड़ा सा, अपने रेस उसको ज्यादा दें, गाड़ी में कार में सब में बाइक में भी देख सकते हैं इसी वे में, अचानक रेस देकर छोड़ दें तो क्या होता है, पीछे वाले को झटका लगता है और किधर, पीछे की तरफ लगता है, हमको ज्यादा स्टंट करते हैं आजकल लड़के तो वो गिर भी जाते हैं पीछे वाला, तो उस कंडीशन में कौन सा जड़त्व काम कर रहा है,
उस कंडीशन में स्थिरता का जड़त्व काम कर रहा है, ये जड़त्व काम कर रहा है कि कोई बाइक है और उस बाइक पर अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और कोई दूसरा पीछे बैठा है और ये रेस गिर रहा है तो पीछे वाला व्यक्ति किधर पीछे की ओर गिर जाता है, झटका लगता है, और थोड़ा अगर थोड़ा नहीं थोड़ा देता है तो झटका थोड़ा लगता है, वो तो उस पर डिपेंड करता है कितना फोर्स लगेगा। तो ये जो नियम है ये किसके लिए है, ये जड़त्व के नियम है। तो अगर आप कोई कार्यमय जड़त्व को परिभाषित करो, उदाहरण लिखो, तो आप कोई भी उदाहरण इसका बता सकते हो मिक्सअप। लेकिन अगर पर्टिकुलर बात करें तो स्थिरता का जड़त्व और गतिशीलता का जड़त्व को अलग अलग भी हम डिफाइन किया जा सकता है, अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। और भी एक दो एग्जाम्पल इसके लिए जा सकते हैं कि हम जब किसी भी वस्तु को, कपड़ों को, चादर को, तौलिए को, इनको झाड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरह से फटकार लगाते हैं और क्या दिखते हैं हमें, जो धूल के मिट्टी एक नीचे गिरती हुई दिखाई देते हैं। अगर आप ये काम धूप में करोगे तो वो चमकते हुए भी बिल्कुल दिखेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक पार्टिकल हवा में गिरते हुए दिखाई देंगे साथ साथ। वो भी क्यों होता है, वहां भी जड़त्व काम करता है। कैसे काम करता है कि हमने जैसे चादर को झाड़ा, दो आदमी उधर से पकड़े खड़े हैं या एक खड़ा एक इधर से पकड़े खड़े, हमने ऐसे झटका दिया तो हमने किसको झटका दिया, वहां चादर को झटका दिया। तो चादर पर क्या है, धूल के कण है, हमने ऐसे झटका दिया तो चादर तो क्या हो गई, मूव हो गई, वहां से गति कर गई, लेकिन धूल के कण वो तो स्थिर है, उसके रुके हुए वो तो स्थिर ही रहना चाहते हैं, वो तो स्थिर रहना चाहते हैं। तो चादर जैसे ही ऐसे हुई ऊपर, वो कण क्या हो गया, साइलेंट हो गया। अब साइलेंट होगा तो कहां जाएगा, कण कहां जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा, अलग हो जाएगा उससे। तो अलग होती क्या हो जाएगा, उसने वो जगह छोड़ दी, जगह छोड़ दी तो आप ड्यू टू ग्रेविटेशन किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये किसके कारण है, ये भी जड़त्व के कारण है। तो कोई कपड़ों को, चादर को झाड़ा जाता है तो उसमें जो धूल के कण अलग होते हैं, किसी दरी को झाड़ा जाता है तो उसमें धूल के जो कण अलग होते हैं वो भी किसके कारण अलग होते हैं, वो भी जड़त्व के कारण अलग होते हैं। कोई टहनी से फल गिरते हैं, कहते न्यूटन ने भाई फल को नीचे गिरते हुए देखा, से वो गिरते हुए देखा और उसको क्या कर दिया, उसने ग्रेविटेशन की खोज कर दी, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो अपने हमेशा क्या ये देखते हैं भाई कि अगर कोई फल गिर रहा है, कोई वस्तु गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन फल गिरने के बाद में गुरुत्वाकर्षण काम करता है, टूटने के बाद में, टूटने के लिए गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा। ये बात जरूर आप ध्यान रखिए कि यहां जैसे ये टहनी है, इसमें कोई फल लग रहे हैं तो ये तो गुरुत्वाकर्षण तो पहले भी लग रहा था, ये जब ये फल जब लगा है इसके तब से गुरुत्वाकर्षण तो लग ही रहा है, तो वही ऊंचाई है, वही उसकी वही फल है, वही टहनी है, वही पेड़ है, सब कुछ वही है। लेकिन कब, जब ये फल पकता है और यहाँ हवा हवा के कारण से फल लगता है तो ये टहनी क्या होती है, टहनी हिलती है, हिलती है तो ये पार्ट भी हिलता है, ये हिल के और अलग इधर हो जाता है। लेकिन ये फल क्या है, ये स्थिर है, ये स्थिर ही रहना चाहता है, तो आगे कौन जाती है, टहनी जाती है और ये यहाँ से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद में ये फिर इधर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, वो उसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद वो नीचे आता है तो वो किसके कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। लेकिन जब हवा चलती है और ये जैसे देर है वो टूटिए गिरते हैं तो वो किसके कारण गिरते हैं, वो स्थिरता का जड़त्व वहां काम करता है कि वो फल तो स्थिर है, टहनी हिल रही है, टहनी हिल रही है तो हिल के ये इधर जाएगी तो फल वही है, वो अलग हो जाएगा। कच्चा फल होता है तब तक उसकी पकड़ मजबूत रहती है, इस कारण वो अलग नहीं हो पाता, जैसे जैसे पकता है तो उसकी पकड़ कमजोर होती जाती है और जैसे हवा ज्यादा तेज चलती है, ज्यादा बल लगाती है, टहनी इधर खींच सकती है, फल स्थिर रहना चाहता है तो वो अलग हो गया। अलग होने के बाद में कौन काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण, वो उसको किधर ले आता है, नीचे ले आता है। तो ये सारी बातें किससे संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण, सॉरी इससे प्रथम नियम से संबंधित है, जड़त्व के नियम से, इसे जड़त्व का नियम या न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो ये सारी थ्योरेटिकल बातों को डेफिनेशन अभी इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए आप लिखें तो पहले लिखें प्रथम नियम ब्रैकेट में जड़त्व का नियम, इसमें आप ये लिख सकते हैं कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है जब तक उस पर बाहरी बल कार्य नहीं करे। जब वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, इसे स्थिरता का जड़त्व कहते हैं। जब गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, इसे गतिशीलता का जड़त्व कहते हैं। अब इसके उदाहरण, आप ये दो उदाहरण मैंने बताए, ये उदाहरण भी आप इसमें लिख सकते हैं, बुक की अग्नि, बुक की अग्निगम, इसे लिख के नोट्स बना सकते हैं।
बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, अगला दूसरा नियम पढ़ेंगे हम संवेग संरक्षण का नियम, और फिर आगे बात करेंगे क्रिया शक्ति के।